अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल वायरलेस माइक को कैसे ओपन किया जाता है, उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आप देख लें कि मेरे पास एक हाई पावर कंपनी का वायरलेस माइक है जो कि प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन अगर इसको हम ओपन करें तो जहाँ पर बैटरी की जगह होती है, बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो टूट गया है, यानी कि ये उतर गया है, जिसकी वजह से बैटरी इसके साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाती। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी जो यहाँ पर लगती है, इसका जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो इसके साथ फिक्स नहीं हो पा रहा। तो आज इस प्रॉब्लम को बताऊंगा कि इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो अगर मैं बैटरी ऐसे कनेक्ट करके माइक को ऑन करता हूँ तो माइक ऑन हो रहा है। तो आइए अब इस चीज़ को हम ठीक करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी का वायरलेस माइक हो, उसके टोटल 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन करेंगे। ऊपर वाला यानी कि एक सिल्वर वाला, उसके नीचे भी एक पार्ट होता है, ये पूरा माइक का सिस्टम होता है। अगर हम इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख लें ऐसे ओपन हो गया है। अभी इसका माइक वाला हिस्सा अलग हो गया है। उसके बाद हमें इसका पैनल खोलना होगा। इसका पैनल जहाँ पे यानी कि इसका म्यूट और पावर का बटन है, तो इसके अंदर यहाँ पे लॉक लगा होता है। तो किसी भी छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसे ओपन कर लें और माइक के ऊपर ये नॉब लगी होंगी, इन्हें उतार लें। तो ये इसके अंदर इसका मेन किट मौजूद है। तो आप देख लें ये इसके अंदर पूरा सर्किट है, इसके अंदर जिसके अंदर 2 किट्स लगी होती हैं। अब हमें इस चीज़ को बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने का तरीका, ये आपको जो सिल्वर रंग का एक रिंग नज़र आ रहा है, इस रिंग को प्रेस करके हमें बाहर निकालना है। आप देखें ये आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब किसी भी नोज प्लास की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन दोनों को अंदर वाली साइड पर प्रेस करेंगे तो इसका ये रिंग बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख लें मैंने इसकी एक साइड बाहर निकाल ली है। अब मैं नोज प्लास की मदद से इस रिंग को बाहर निकाल लेता हूं। तो आप देखिए रिंग हमारा बाहर आ गया है। अब इसके अंदर जो मॉड्यूल लगा हुआ है ये इजी से बाहर आ जाएगा। तो मैं इसकी बैटरी वाली जगह से इसको थोड़ा प्रेस करता हूं तो आप देखें कि ये पूरा सर्किट इसका बाहर आ गया है। तो आप देख लें इस तरह का सर्किट है, जिसकी एक तरफ इसका माइक का सारा पोर्शन होता है और दूसरी तरफ इसका ट्रांसमीटर का सारा पोर्शन होता है। तो कोई भी आप माइक ओपन करेंगे वो सारे अंदर से इस तरह बने होते हैं। तो आइए अब हम इसके टर्मिनल लगाना है। अब टर्मिनल सेम ऐसे तो मार्केट से मुश्किल से ही मिलेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पुरानी बैटरी लेता हूँ, उस बैटरी का ये ऊपर वाला हिस्सा उतार लेता हूँ। तो मैं इस बैटरी को ओपन करके इसका ये मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो है ये निकाल लिया है। अब ये वाला मैं उस जगह पर लगा देता हूँ। तो इसके ऊपर जो ऑलरेडी एक टर्मिनल लगा हुआ है, मैं इसे भी उखाड़ देता हूँ ताकि हमारा वो बैटरी वाला पार्ट इस पे प्रॉपर लग जाए। तो इसको तरीके के साथ उतार लें ताकि इसकी जो नीचे बेस लगी है वो ख़राब ना हो। तो ये मैंने उतार लिया है। अब सेम इसके ऊपर ये लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं सोल्डर के साथ इसको ऐसे चिपका देता हूँ। उसके बाद ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, तो इसके साइडों का जितना भी प्लास्टिक लगा हुआ है एक्स्ट्रा, वो सबको मैं काट देता हूँ ताकि ये माइक के अंदर आ जाए। तो आप देख लें काटने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस पे सोल्डर लगा देते हैं। तो मैंने पेस्ट लगा दिया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर सोल्डर लगा देता हूँ। तो इस पे सोल्डर लगा देंगे दोनों पॉइंट्स पे। उसके बाद माइक के जो नीचे वाले दोनों हैं इस पे भी ब्रोजा पेस्ट लगा के इस पे भी हम थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देंगे। सोल्डर लगाने के बाद अगर रूम में पंखा या एसी वगैरह ऑन है तो उसे ऑफ कर दें, क्योंकि इस सोल्डर को पिघला के हमें फौरी टाइम पे ऊपर ये इसके साथ चिपकाना है। तो ये दोनों को पिघला के मैंने इसके साथ इसको चिपका दिया है। इसके बाद मैं इस पे मजीद सोल्डर लगा के इसको अच्छी तरह प्रेस कर दूंगा। मजीद सोल्डर इसलिए लगाना है ताकि पहला सोल्डर पिघल जाए और जो बैटरी का टर्मिनल हमने लगाया है इसको हम जोर से दबाएंगे ताकि ये इसके साथ आसानी के साथ चिपक जाए। तो अब ये हमारा टर्मिनल लग गया है। अब हम इसको अपने कवर में वापस डाल देंगे। कंप्लीट फिटिंग करने से पहले हम इसे एक दफ़ा ऑन करके देख लें कि माइक हमारा प्रॉपर ऑन हो रहा है या नहीं। तो मैंने बैटरी लगा दी है, उसके बाद मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखिए हमारा माइक ऑन हो रहा है, इसकी ब्लू कलर की लाइट जो है वो ऑन हो रही है। तो अगर ये माइक हमारा प्रॉपर ऑन हो रहा है, अब हम इसे मुकम्मल तौर पर फिट कर देते हैं। तो ये मैंने इसको मुकम्मल तौर पर फिट कर दिया है। अब वही रिंग जो हमने निकाला था वो दोबारा हम इसके अंदर लगा देंगे, यानी इसके अंदर फंसा देंगे ताकि इसका जो अंदर वाला मॉड्यूल है वो बाहर की तरफ ना आए। तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है। उसके बाद मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूंगा।
तो अभी आप देखिए ये हमारी फिटिंग जो है वो प्रॉपर आ गई हुई है। अब हम इस बटन के ऊपर जो नाप्स लगी हैं वो लगा देंगे। नाप लगाने के बाद इसके बटन का कवर हम लगा देंगे। उसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये इसकी बेस है, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसके सामने माइक ऑन करता हूँ, तो आप देखें कि चैनल 1 की जो रेड लाइट वो ऑन होगी हुई है। बाकी अगर इसमें मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो बेस के ऊपर जो ग्रीन वाली पी की लाइट है वो लाइट भी ऑन हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा ये माइक प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह हमारा ये माइक जो है वो प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माइक के अंदर वाले हिस्से पे इतनी जगह नहीं होती, तो मैंने एक और माइक रिपेयर किया है। तो फिर आप बैटरी का टर्मिनल आप बाहर वाली साइड पे भी लगा सकते हैं। आप अंदर वाली साइड पे छोटी छोटी तारें लगा के आप ये बैटरी का पार्ट माइक के ऊपर किसी भी एलफी वगैरह के साथ चिपका सकते हैं। तो उसके बाद वायरलेस माइक का रिसीवर अगर हम ओपन करें तो अंदर से इस तरह का होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी वायरलेस माइक को कैसे ओपन किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।